दुश्मन मुस्तफा से ये कह दो, हर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। हेलो हेलो, हाँ जी मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज। जी जी, रॉबर्ट जी बोल रहे हैं। जी मैं बोल रहा हूँ। जी जी जी, और सब ठीक है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी जी, मैं बोल रहा हूँ लखनऊ से। अच्छा बताइए। जी ठाकुरगंज से, लखनऊ से बोल रहा हूँ। हेलो। जी जी, ठाकुरगंज से बोल रहा हूँ। ठाकुरगंज से? अच्छा बताइए भैया। जी ठाकुरगंज से बोल रहा हूँ। तो मैंने जैसे आपके वचन बहुत सुने हैं। अच्छा जी जी, तो ठाकुरगंज कहाँ पड़ता है आपका ये? जी ये ठाकुरगंज कहाँ पड़ता है आपका ये? ठाकुरगंज जो है, क्या नाम है वो, इंडिया मॉल जानते हैं जी? इंडिया मॉल। अच्छा लखनऊ में? जी जी, मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल सीधा रास्ता, कहीं बोलना नहीं है आपको, आगे दुबग्गे पड़ता है, दुबग्गे से पहले ठाकुरगंज आता है। ओके भैया ठीक है। जी तो जैसे कि मैंने जी आपके वचन मैंने बहुत सुने हैं। जी थैंक यू। जी जी, तो जैसे आप अपने मसलक के जो मुबल्लिग हैं। जी जी, मतलब आप स्कॉलर हैं ईसाई के। जी 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 जी, तो जैसे कि आप तो पैगंबर मोहम्मद के बारे में भी आप जानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जानता हूँ। जी जी, तो जैसे कि वो लास्ट मैसेंजर हैं। जी 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 बिल्कुल। तो जैसे आप उनको मानते हैं, नहीं मानते? अब भाई ये मान के चलिए, जैसे कि आप पैगंबर से नबी जैसे करके भेजे गए हैं, तो भाई मानना तो है ही, ठीक है कि नहीं? अच्छा अच्छा जी जी, बहुत बहुत अच्छा, सुना था वैसे ही है सर आप। जैसे वो उनका जिक्र इंजील में भी आया है, और इंजील में तो फिलहाल आया नहीं है, मैंने जैसे पढ़ा, हाँ बाइबल में, इंजील में बताया गया है जी, इंजील में इनका नाम है, लेकिन इंजील में नाम दिया नहीं गया है। अच्छा अच्छा, तो जैसे कि आप जी, आप पढ़े लिखे होंगे, आप स्कॉलर है, आप तबलीग भी करते हैं, लोगों को बताते हैं, मैंने आपको सुना भी, आपका फोटो भी मैंने देखा है। जी तो ठीक है, तो आपने उसमें डिटोनोमी चैप्टर पढ़ी, आपने वर्सन 16 है और वर्सन 18 और 18 पे लिखा है बाइबल के अंदर, डिटोनोमी ओल्ड टेस्टामेंट में किसी का था, कौन सी जगह पे? जी डिटोनोमी। ओके ठीक है, आप डिटोनोमी खोलिए। जी जी, डिटोनोमी उसका जो चैप्टर है 18 और 18 वर्सेस 16 है। ओके ठीक है। हाँ तो उसमें ये लिखा है। जी जी, उसने ये लिखा है, उसमें लिखा है, सो मैंने उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा, और वो अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उससे आज्ञा दूंगा वही वो उनको कहेगा। दायाम विल राइज क्विज द प्रॉफिट दाउट द मैसेज द बिटवीन लाइक द डे हियर दिल लिक्विड माई वर्ल्ड माउथ पुलिस में द शेल द कमांड हिम के साथ लिखा है ये बात। तो वो लिखा है कि वो मनुष्य होगा जो मैं उससे कहूंगा, परमेश्वर फरमा रहा है, यहोवा फरमा रहा है, इसमें कह रहा है कि जो मैं उससे जो उसके मुंह में डालूंगा वही वो कहेगा। तो और उसके बारे में चैप्टर 18-19 में आया है, और जो मनुष्य वो वचन जो मैंने उसके नाम से ग्रहण कराऊंगा, अगर वो उसको हिसाब नहीं, अगर वो नहीं मानेंगे उसके हिसाब लूंगा। दिस इज रिवेंज मी दाई आई विल द रिवेंज, मैं उससे बदला लूंगा। अच्छा ये किसके बारे में कह रहे हैं? अब आगे आइए, अब न्यू टेस्टामेंट में आ जाइए। अच्छा, जी न्यू टेस्टामेंट में जॉन आइए, जॉन वर्सेस 16 और उसका वर्सेस 16 और उसका 12वां नंबर अध्याय है। जी, उसमें आइए, 12वां तो 13वां, उसमें लिखा है, उसमें लिखा है, परंतु वह आर्थिक सत का आत्मा आएगा, तुम्हें सब सत का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। बट ही सेंड द स्पिरिट ऑफ द ट्रूथ
कहीं लिखा है द होली स्पिरिट और कहीं लिखा है द स्पिरिट ऑफ द ट्रूथ। तो इसमें लिखा है कि वो अर्थ का आत्मा आएगा और वो तुम्हें सत का मार्ग बताएगा, हक का रास्ता बताएगा, और क्योंकि वो अपने तरफ से नहीं कहेगा, जो कहेगा जो उसने सुना होगा, यानी कि अल्लाह की तरफ से उसकी वही आई होगी और वही के मुताबिक मुतरादिफ ही वो बात कहेगा, कोई अपनी तरफ से बात नहीं करेगा और आने वाली तुमको बातें बताएगा, यानी कि गैब की बातें तुम्हें। तो वो सत का आत्मा ये लिखा है। अब इसको जो है हमारे उर्दू के अंदर कहते हैं तफसील बिल कुरान, यानी कि कुरान की तफसील कुरान से एग्जाम्पल के तौर पर। तो इसकी मैंने आपको बाइबल टू बाइबल मैंने आपको बताया है कि वो वहाँ पे ओल्ड टेस्टामेंट में फरमा रहे कि वो उसके मुंह में अल्लाह ताला अपनी वही डालेगा, हुक्म डालेगा। वो उसमें न्यू टेस्टामेंट में यूहन्ना कह रहे हैं, जॉन द कह रहे हैं, इसके अंदर जो कहेगा वो अपनी ओर से नहीं कहेगा, वो परमेश्वर का ही कलाम कहेगा, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेगा। हाँ, अब क्या, अब ये देखिए इसमें लिखा है क्या कहेगा, कौन कहेगा, आगे मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ कि वो कौन कहेगा। अब ये देखिए, ये आपने सुना कि वो अपनी ओर से नहीं, वो आने वाली बातों को बताएगा, जिसको हम कहते हैं इल्म गैब, आने वाली बातों को वो भी बताएगा। अब आगे ईसा, हजरत ईसा बिन मरियम कहते हैं, जीसस क्राइस्ट द सेज इन द बाइबल द यूहन्ना द मेंशन बाय नेम ऑफ द मोहम्मद अलैहिस्सलाम इन द बाइबल। अब वो क्या फरमाते हैं, अब यूहन्ना चैप्टर 6:17 में यूहन्ना में आई है, आप जॉन में अध्याय नंबर 16 के जो है छठे और सातवें में, आप किताब खोल लीजिए, उसमें लिखा है तभी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरे जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। हजरत ईसा फरमाते हैं अपने हवारियों से, कहते हैं वो मेरा जाना जरूरी है, क्योंकि अगर यदि मैं ना जाऊंगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा नहीं तो तुम्हारे पास कैसे आएगा। तो ये यूहन्ना खुद कह रहे हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कौन नकल कर रहे हैं कि हजरत ईसा ने उसमें फरमाया ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर कि वही अल्लाह उनके करेगा, और जो उसके बारे में नहीं मारेगा तो आई विल शेल रिवेंज, मैं उससे बदला लूंगा, परमेश्वर कह रहा है। और यूहन्ना फिर आगे फरमा रहे इसी के अंदर कि मैं वो अपनी तरफ से कुछ और बात नहीं बताएगा, जो कहेगा वो परमेश्वर की द्वारा ही वो कहेगा, यानी कि खुदा बंदे मुताल उसके ऊपर वही करेगा, और वो तुम्हें आने वाली चीजों की खबर देगा, जो चीज नहीं हुई दुनिया में उस चीज की खबर देगा। और वो कौन होगा, इसमें ईसा अलैहि सलाम फरमाते हैं अगर मैं नहीं जाऊंगा वो सहायक नहीं आएगा। जी, इसके बारे में वो खुद कह रहे हैं, हजरत जीसस खुद कह रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, और अगर आपको उसका हवाला और आपको अगर दे दूं तो आप जो है इसका इंजील का बाइबल का, ये तो छोटी सी मतलब जो है रॉबर्ट जी, ये तो छोटी सी बात थी, और जी, इसके बारे में आपको जो है मैं आप जो है जॉन खोलिए, चैप्टर जॉन खोलिए। अच्छा, अभी तो नजर मैं थोड़ा सा बरेली से वापस आ रहा हूँ ना, कार में उस समय जी जी, तो मैं भी अभी मतलब रोड पर ही। चलिए, कोई बात नहीं, और मैं आपसे जरूर मुलाकात करूंगा। बात जी, यूहन्ना का आपने नाम सुना होगा जनाब। हाँ, बहुत अच्छे जी 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 जॉन, तो उसके आप चैप्टर खोलिए, यूहन्ना अध्याय 14:16 खोल लीजिएगा। उसमें परमेश्वर के द्वारा हजरत यीशु कहते हैं, और मैं अपने पिता से विनती करूंगा, क्योंकि आप उनको खुदा का बेटा मानते हैं ना, कहते मैं अपने पिता से विनती करूंगा, उनसे जो है आग्रह करूंगा, यानी कि उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तुम्हारे एक सहायक दे, कि उसका स्वर्गदूत तुम्हारे के साथ रहेगा। मतलब मैं तुम अल्लाह से दुआ करूंगा कि वो तुमको एक सहायक दे जो आने वाला है मेरे बाद। और उसमें लिखा है नीचे 16 के अंदर, सत का आत्मा जो तुम्हें जो हक के रास्ते पे बुलाएगा, उसमें लिखा है जी सत के रास्ते बुलाएगा आपको। और ये खुद लिखते हैं 16 के अंदर, अर्थ सत का आत्मा जिसे संसरान ग्रहण नहीं कर सकती, क्योंकि वो ना उसे देखते हैं और ना ही उसे जानते हैं, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। यानी कि यूहन्ना कहते हैं अरबी के आने की खबर देते हैं, यानी नबी अलैहिस्सलाम की आमद की खबर देते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो आपके जो है ईसाइयों के पादरियों ने और जो है बड़े बड़े जो है आपके जो है पॉप ने ये बात नहीं बताई होगी, आपने सॉन्ग ऑफ सुलेमान सुना है ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर, सुलेमान के बारे में, सॉन्ग ऑफ सुलेमान चैप्टर 5:16 के अंदर, बड़ी मशहूर और मारूफ चीज है। मतलब इसके बारे में आप अपनी जो है जब आप अपने वहां पे जाइएगा तो सॉन्ग ऑफ सुलेमान चैप्टर 5:16 में आएगा। तो उस चैप्टर 5:16 के अंदर आपने कहा कि मैंने जो है अभी तक मोहम्मद के बारे में इंजील में पढ़ा नहीं, मगर मैं आपको इल्म को दुरुस्त कर दूं कि आपने बहुत कुछ नहीं पढ़ा अभी मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बारे में, बाइबल द मेंशन बाय और मेनी मेनी टाइम द मेंशन बाय नेम ऑफ मोहम्मद अलैहिस्सलाम इन द बाइबल। आइए जी, मैं जानता हूँ उसके बारे में कि आपको सिर्फ उतनी ही बात जानते होंगे जितनी आपको पढ़ाई होगी, और फिलहाल मैं आपको सॉन्ग ऑफ सुलेमान चैप्टर 5
वर्सेस सृष्टि का आखिरी अध्याय मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसके बारे में खुद जो है सॉन्ग ऑफ सुलेमान के अंदर वो खुद फरमाते हैं। उसका चैप्टर 5 वर्सेस 16 में खोलता हूँ, मैंने अपने हाथ में ले लिया है और सबसे आखिरी का 16 है। उसमें कहते हैं चैप्टर 5 में कि उसकी वाणी अति मधुर है और वो बड़ा सुंदर है, यरूशलेम की पुत्री और मेरी बेटियों और मेरे मित्र। ये कहते हैं कौन सॉन्ग ऑफ सुलेमान, दी हिज द थ्रोन ऑन द सीट इज अ लवली सच माई बिलीवर्ड हार्ट माई फ्रेंड ऑफ जरूसलम डॉटर ऑफ जरूसलम। ये खुद फरमाते हैं जैसे, तो इसको जो है हिब्रू लैंग्वेज द बाइबल द ओरिजिनल स्क्रिप्चर, हिब्रू लैंग्वेज बाइबल के अंदर क्या फरमाते हैं। आपने कहा मोहम्मद नाम नहीं आया, मोहम्मद नाम बहुत अच्छी तरह से है मगर आपने पढ़ा नहीं उसके अंदर, और उसमें लिखा ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर ये बात सॉन्ग ऑफ सुलेमान के अंदर बात दी गई है। वो फरमाते हैं ओल्ड टेस्टामेंट द स्क्रिप्चर ओरिजिनल स्क्रिप्चर हिब्रू लैंग्वेज बाइबल के अंदर। ये क्या कहते हैं हिब्रू लैंग्वेज, जब आप ये बाइबल खोलेंगे तो उसमें एक अध्याय, इसमें कहते हैं द चैप्टर 6 वर्सन चैप्टर 5 वर्सन 16 का अध्याय 16 के अंदर कहते हैं इखो मम तकीन बिखुल्लो मुहम्मदिन ज़ैद व ज़ैरई बैला यरूशलम मुहम्मदिन, इसमें मुहम्मदिन नाम आया चले सलातो सलाम, दिस इज द एक्सपर्ट मुहम्मदिन इलाहिम इज इलाहिम, खुद यरूशलम के बारे में फरमाने मुहम्मदिन इखो मम तकीन बिखुल्लो मुहम्मदिन मुहम्मदिन मुहम्मदिन। ये इबरानी जबान के श्लोक है। अच्छा जी जी, मोहम्मदिन ये मोहम्मद नाम आया इन द बाइबल, द मेंशन बाय नेम इन द बाइबल इज नेम ऑफ द मोहम्मद। उसमें तर्जुमा किया आप लोगों ने जो उसमें घड़ाया बनाया, इसमें क्या लिखा माय बिलीवर्स द लवली सच इज माय बिलीवर्ड, यानी कि मेरा प्यारा वो अच्छा मधुर वाला बात ही करना। मोहम्मद का आप अगर मतलब देखेंगे तो तारीफ करने वाला, तारीफ पाने वाला। मोहम्मद का मतलब आप किसी लुगत की किताब उर्दू या उर्दू से हिंदी लिखो उठा लीजिए, डिक्शनरी उठा लीजिए, उसमें मोहम्मद का मतलब होता है तारीफ वाला, मधुर वाला, अच्छा वाला, सुंदर वाला। तो ये खुद कह रहे हैं सॉन्ग ऑफ सुलेमान की इखो मम तखिम विखुल्लो मुहम्मदिन, वो कहते हैं वो बहुत अच्छा होगा, परम सुंदर रहेगा और यरूशलेम की बेटियों और मेरे मित्रों। नबी अलैहिस्सलाम की बशारत देते हैं आमद की, नबी अलैहिस्सलाम वही आखिरुज़्ज़मा है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन द बाइबल, वो कहते हैं मैं उसकी जूती ताकने के लायक नहीं हूँ। खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बताया आई एम नॉट सिंगल मसाया, आई एम नॉट गो तो ही विल नॉट कम, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो नहीं आएंगे। कौन नहीं आएंगे? मोहम्मद अलैहिस्सलाम। तो ये हक दीने हक है, मैंने आपके वचन सुने हैं, जो आप वचन देते हैं जी 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 जी, आप वचन देते हैं बहुत प्यारे वचन देते हैं, मगर इसमें इस्लाम की हकानियत को आप उसको छुपाइए मत, उसको भी लोगों पर आया करिए रॉबर्ट सर। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। हमने आपकी वीडियो देखी है, हमारे यहाँ से कोई लोग जाया करते हैं आपकी वीडियो दिखाते हैं संडे के दिन, आप जो है मतलब आप जो है वो करते हैं जिसे हमारी कुरान में आया है कि आपको हर इतवार के दिन दस्तरखान उतारा गया था जन्नत से, तो उस दिन के लोग ईद मनाते हैं, आप इतवार के दिन ईद मनाते हैं ना? जी जी ईद कह लीजिए उसको, जिस दिन कह लीजिए ईद मनाते हैं, तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो ईद के दिन मैंने आपको वचन सुना था और मैंने आपको देखा कि यार मतलब ये जो है इस्लाम की दावत, मतलब जानते भी हक को पहचानते भी हैं मगर ये इस्लाम की दावत को हकानियत को वाज़े नहीं कर रहे, जिसके बारे में ईसा अलैहिस्सलाम ने दावत दी है और हजरत मोज़ेस जिसको इंजील में कहा गया मोज़ेस, और हजरत इब्राहिम को अब्राहम कहा गया है, हजरत नूह को नूह कहा गया है, शीश को शीत कहा गया है, और हजरत यूसुफ को जोकब कहा गया है, हजरत इब्राहिम को आदम, हजरत आदम को आदम कहा गया है, दीगर ये जो है तो ये जो है आपके बारे में, तो जी तो आप इसके बारे में कब गौर करेंगे, कब लोगों को बताएंगे हक की असला कि जो आने वाले हैं वही मोहम्मद अलैहिस्सलाम है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी, जैसे हमारी हदीसों की किताब में आता है आका फरमाते हैं मैं ईसा की बशारत हूँ, इब्राहिम की दुआ हूँ, हजरत कई नबियों ने आका अलैहिस्सलाम आपके ओल्ड टेस्टामेंट से मैंने साबित किया, न्यू टेस्टामेंट से मैंने साबित किया कि हजरत यूहन्ना कह रहे हैं और जॉन कह रहे हैं, और भी मेरे पास कई हवाले हैं, मेरे पास कई हवाले हैं। जी जी वो बढ़िया है, ठीक है, आपसे बात करके मुझे भी खुशी हुई, मगर इसमें खुद हजरत जीसस कह रहे हैं, जीसस क्राइस्ट के कह रहे हैं कि वो अगर मैं उनके जूते टाकने के लायक नहीं हूँ, वो इतने अफजल है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी है, कोई नबी गैर नबी से अफजल नहीं हो सकता, तो क्या किसकी तारीफ कर रहे हैं वो, कि मैं उनके जूते टाकने के लायक नहीं हूँ कि वो जो आने वाले मेरे बाद अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरे आलम में दुनिया के अंदर उनकी हुकूमत करेगा।
तो हम इनके जूते टाकने के लायक नहीं हो। कौन हस्ती है जिनके जूते टाकने के लायक नहीं होते? तो मूसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, वो है मोहम्मद अलैहिस्सलाम, जिसके बारे में सॉन्ग ऑफ सुलेमान इखो मम थकीम विखुम मोहम्मद दिन दिन मोहम्मद का लफ्ज आया, रिस्पेक्ट के साथ आया कि मोहम्मद दिन वो मोहम्मद होंगे जो अति सुंदर है और वो जो आखिरी वक्त में मबूस किए जाएंगे। जी, तो आप इस्लाम की तालीमात से आप आशना है? जी, आप इस्लाम की बात करते हुए जी, मगर आप लोग ये जो कहते हैं कि मोहम्मद का जिक्र मैंने नहीं पढ़ा, आप तो एक स्कॉलर हैं, आप तो पढ़े बड़े आलिम हैं, जो हमारे में बहुत बड़े बड़े आलिम मौलाना होते हैं, आप भी तो पढ़े हुए हैं, तो आपने ये कैसे कह दिया कि मेरे में इंजील के अंदर बाइबिल के अंदर कहीं ऐसा जिक्र नहीं मोहम्मद अलैहिस्सलाम का? नहीं, चक्कर है जी, बताया ना मेरे जैसे कि आप तो चाहे आपकी आवाज कट रही है तो, जी चक्कर में जंगल में हूँ ना, जंगल इस समय आ गया है जी, तो जंगल की वजह से वॉइस मेरी कट रही होगी शायद। जी 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 तो बताइए, जो आने के वाले की बात करेगी वो होली स्पिरिट की बात करेगी, पवित्र आत्मा की बारी। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा कौन है जिनकी ईसा जो है ईसा अलैहिस्सलाम से कोई, आप कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत मोसेस ने दी, मूसा ने दी, तो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वो किसका जूते का बल ताकेंगे या उनसे कोई बड़ा होगा? और खुद यूहन्ना कह रहे वो मेरे बाद आएगा, आई एम नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा तो वो नहीं आएंगे, तो मेरे जाने के बाद क्या होगा? आप खुद कहते हैं यूसुफ बादलों के ऊपर सैर करके दोबारा दुनिया में आएंगे, आप कहते नहीं है तो अब ये बताइए, जब ईसा अलैहिस्सलाम वो खुद कह रहे हैं कि अगर आई एम नॉट गो तो ही विल नॉट कम, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो नहीं आएगा, और खुदा अपना वचन उसके मुंह में डालेगा, मतलब अल्लाह वही करेगा और वो अपने पास से नहीं कहेगा, जो खुदा कहलवाएगा वही कहेगा। और यूहन्ना खुद उसके अगर अभी क्या की बशारत दे रहे हैं, यूहन्ना जो माया नाश शख्सियत थी आपके अंदर, बड़ी मशहूर मारूफ चीज है, जो 12 हवारियों में से एक हवारी थे ईसा अलैहिस्सलाम के। तो आप ईसा अलैहिस्सलाम आपने कैसे कह दिया कि आदम अलैहिस्सलाम का नाम नहीं है? मैंने आपको हिब्रू लैंग्वेज के लफ्ज पढ़ के दिखाए। वो जो जो यूहन्ना ने बोला ना, मैं इनकी जूती काटने के लायक भी नहीं, वो उन्होंने जी यूहन्ना ने जो बोला है ना, मैं उनकी जूती से बंधन खोलने के लायक भी नहीं, वो हजरत यूहन्ना ईसा अलैहिस्सलाम का कौन नकल करते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम के जीसस इज सेड द यूहन्ना बाइबल के अंदर गुजरे नकल करते हैं। हाँ, तो वो कहते हैं यूहन्ना किसको किसके लिए बोलता है कि मतलब मैं उनके बंधन खोलने के लायक भी नहीं? ये वो आका अलैहिस्सलाम के लिए बोलते हैं, किनके बारे में? हजरत ईसा का कौन, हजरत ईसा का कौन नकल करते हैं? मतलब ये यूहन्ना की बाइबल है, मतलब यूहन्ना जॉन की, तो जॉन की बाइबल आप जानते होंगे, मुझसे अच्छा जानते होंगे इसके बारे में, तहकीक के बारे में। बिल्कुल जी, यूहन्ना टीचर कर रहे हैं यहाँ पर जी, ये यूहन्ना जो बोल रहे हैं उनकी बंधन मेरे बाद आने वाले, वो भविष्यकर्ता की भविष्य दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो मेरे बाद, हजरत ईसा कहते हैं जो मेरे बाद आने वाला है वो होली स्पिरिट कह रहे फरमाया कि कहीं ट्रू स्पिरिट फरमाया है, क्या जो वो आने वाला है वो मेरे बाद आएगा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मैं इतना लायक नहीं तो उसकी जूती टाकू, वो हमसे इतने बड़े होंगे जो आप नहीं जानते वो कितने बड़े, वो पहले से मौजूद है, मैंने बाइबल के अंदर संभाल के रखा है, जब आपकी हमारी मुलाकात होगी तो मैं दिखाऊंगा, इसमें ये बात लिखी है कि वो मुझसे पहले पैदा हुए हैं और वो इतने बुलंद उबाला है कि जिनकी तारीफ हजरत मूसा भी करे, जिनकी तारीफ हजरत अब्राहम भी करे, जिसकी तारीफ हजरत जीसस क्राइस्ट भी करे, जिनकी तरफ दीगर नबी भी करे कि वो आखिरी मसीहा कौन है। और आपको मैं एक बात बता देता हूँ, आपने गॉस्पेल ऑफ बर्नाबास नहीं पढ़ी होगी। जी, गॉस्पेल ऑफ बर्नाबास वही बाइबिल है जो तुर्की के म्यूजियम में अभी महफूज है, जो सोने के तार से लगी, उसको जला दिया गया था, ईसाइयों ने जला दिया था, क्रिश्चियन ने क्यों जलाया? आप जी जी, तो उसके अंदर ये बात लिखी है जी, उसमें खुद बर्नाबास कहते हैं, हजरत ईसा कहते हैं लास्ट मसाया, उसका तर्जुमा आप ही लोग ने किया, लंदन से छाया हुआ है वो, आपके पास में बुक भेजूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा, उसमें मैंने निशान लगा दिए सब। तो उसमें कहते हैं आई एम नॉट सिंगल द मसाया, कि विल आई 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 आफ्टर गो, आई एम नॉट आफ्टर गो, तो ही विल नॉट कम, ही इज नेम ऑफ मोहम्मद अली सलाम, मोहम्मद नाम लिया गॉस्पेल ऑफ बर्नाबास में। और आप और इसमें बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर भी ये बात है, और भी मेरे पास मुआज जखीरा है, और भी मेरे पास बहुत है, मैं आपको हवाला दूंगा, जिसमें हजरत यूसुफ, हजरत जीसस क्राइस्ट खुद कह रहे हैं कि वो इतने बुलंद होगा कि मैं उनके जूती ताकने के लायक नहीं, वो इतना बुलंद उबाला अल्लाह की बारगाह में इतना मकबूल होगा। यूहन्ना और मार्को लूका कई भी जगह पे फरमाते इसके बारे में, कई जगह फरमाते हैं। मेरा ये इसके व्हाट्सएप नंबर में मुझे वो हवाले जो है ना आप
और उसमें से लेके और खुद मैं आपको चलो चलने में वो आप जी 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 मैं आपको हवाला जरूर दूंगा, अब बिना हवाले का नहीं दूंगा, आपको रेफरेंस दूंगा मैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और यूहन्ना क्या कहते हैं, जैसे आप में बत्तीसा करवाते हैं, आपने बत्तीसा करवाते हैं, आप जानते होंगे बत्तीसे को, तो यूहन्ना जॉन द कहते हैं उसका चैप्टर 1 और वर्सेस 16 के अंदर यूहन्ना क्या कहते हैं, कहते हैं द जॉन इज द सेज द सेइंग बत्तीसा के बारे में क्या कहते हैं, यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि मैं तो तुम्हें जल से बत्तीसा देता हूँ मगर परंतु तुम्हारे बीच एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसे वो तुम्हें तुम उसे नहीं जानते, वो आर्थिक मेरे बाद आने वाला है कि जिसकी जूती का बंदा मैं खोलने के योग्य नहीं हूँ, और वो कहते वो तुम्हें मैं तुम्हें हाथ से बत्तीसा देता हूँ, वो तुम्हारे बातनी उलूम से तुम्हें बत्तीसा देगा, मैं तो तुम्हें खाली पानी से बत्तीसा देता हूँ, वो जो आएगा वो तुम्हें सारे उलूम से बत्तीसा देगा, तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ करेगा। यीशु जब बत्तीसा देते हैं, आप बत्तीसा देते हैं, कुछ जगह पानी में डुबो के बत्तीसा दिया जाता है, कुछ जगह किस तरह बत्तीसा दिया जाता है, तो कहते मैं तुम्हें पानी से बत्तीसा देता हूँ, वो तुम्हें जो इस तरह देंगे वो तुम्हें बातनी बत्तीसा देंगे, वो सारे आलम दुनिया में छा जाएंगे। वो अरसलना रहमत आलमीन, है महबूब हमने तुम्हारे सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा, ये खुद कुरान कहता है। तो कुरान की तफसीर हमने जो है आपको इंजील की तफसीर भी इंजील बताई और कुरान के बारे में भी आपको बताया, आपके में सारे मैं सारे और खुद इसमें कह रहा हूँ, खुद इसमें यूहन्ना कह रहा है चैप्टर 15 के अंदर कि यूहन्ना ने किस विषय में गवाही दी, पुकार पुकार के कहा कि जिसका मैं वर्णन किया हूँ जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे बढ़कर है क्योंकि वो मुझसे पहले था, वो मुझसे पहले था, कौन था, नबी व आखरु जमा खला खला कला आदमा अला सूरत हिंद, उससे पहले किया कुन तो नबी आदम बैन जसद, हदीस में आता है मेरी की आदम मिट्टियों पानी के दरमियान थे, उससे पहले मोहम्मद अली सलातुसलाम का नूर अल्लाह ताला अव्वलुमा खलक अल्लाह नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया, वही हजरत कह रहे हो मुझसे पहले तुम उसे नहीं जानते जो मेरे बाद आने वाला है, मैं तुम्हें तो बत्तीसा देता हूँ सिर्फ उससे पानी से, और वो तुम्हें तो आर्थिक रूप से बत्तीसा देगा, सारी आलमीन के लिए छा जाएगा। तो आप ये बताइए कि आपने अभी फरमा दिया कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं आया है, कैसे नहीं आया मोहम्मद, आपकी ईसाइयों ने आपको नहीं बताया? नहीं, ये जो यूहन्ना ने जो बोला है बपतिस्मा देने के बारे में वो यीशु मसीह का जिक्र किया है उसने, नहीं यीशु मसीह का कोई जिक्र नहीं है इसमें, जीसस क्राइस्ट का लफ्ज ही नहीं है, मेरे सामने बाइबल खुली है, मैंने मेरे सामने बाइबल खुली है, मैं दे दूंगा। जी 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 नहीं आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं, इसमें खुद कहते हैं यहाँ से लफ्ज होता है, जब जॉन आंसर देन सेइंग बत्तीसा विद वाटर, यानी कि खुद जॉन कहते हैं इसमें जीसस क्राइस्ट के बारे में नहीं आते कि ही जीसस क्राइस्ट सेइंग, जॉन कहते हैं ना ही जीसस क्राइस्ट सेइंग, नहीं जीसस क्राइस्ट नहीं कहते हैं, उनका कौन नकल नहीं करते, यूहन्ना खुद कह रहे कि मैं तुम्हें बत्तीसा देता हूँ, वो जो आने वाला है जैसे हजरत ईसा ने फरमाया अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो नहीं आएंगे, अब यूहन्ना भी फरमा रहे हजरत ईसा तो चले गए, आप तो सूली पे चढ़ाना मानते हो अलैहिस्सलाम, हम तो ऐसे नहीं मानते कि सूली पे चढ़ा दिए गए, मैं आपसे अगर सवाल पूछ उनकी मजार का है तो आप बता नहीं सकते मैं आप मजार क्या चक्कर है, वो तो चक्कर मजार नहीं, आपको खुद नहीं मालूम है, यरूशलम ऐसी चीज है जहाँ पे जकरिया अब्राहम मोसेस ईसा याकूब जुपिटर सबकी मजार बनी है, आपको पता है, आपकी आवाज फंस रही है जी, हेलो हेलो जी जी तो आप हाँ चक्कर में अंदर हेडफोन लगाया था जी, गाड़ी चला रहे हैं, मेरी आवाज आपको समझ में है रॉबर्ट जी, हाँ बिल्कुल समझ में आया, आपका फुल नाम क्या चलता है जी, आपका नंबर मैं सेव कर ले रहा हूँ जी, मोहम्मद रजा कर जी, मोहम्मद रजा लखनऊ से हैं जी, लखनऊ से जी, आपसे मैं मुलाकात करूंगा, आप कहा जैसे मैंने आपको सुना है कहीं आप वो कहा वो किसी ने बताया कहाँ रहने वाले हैं, पलिया मेलानी के रहने वाले गजवान, मेलानी करेक्ट करेक्ट, कहाँ पे मेलानी के घर है आपका, बस मेलानी में किसी से रॉबर्ट सर का नाम पूछ लीजिएगा, रॉबर्ट सर का स्कूल कहाँ है जी जी जी, रॉबर्ट सर का स्कूल करके, आप मुझसे दोबारा आपसे मेरी गुफ्तगू कब होगी, बिल्कुल बिल्कुल होगी आपसे जरूर, मैं आपका नंबर सेव कर ले रहा हूँ, और जितने भी रेफरेंस आपने बताए हैं जी ये मेरे इसी व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा आप, ठीक है जी जी डालूंगा, आपने वो भी जो कहा था मैंने जो आपको वो बताया था ना कि वो बत्तीसे के बारे में, हाँ हाँ जी जी, तो वो मैथ्यू जिसे मती भी कहते हैं, हाँ हाँ जी, मैथ्यू अध्याय 3 उसका जो है चैप्टर 11 है वर्सेस 11, वो मैंने पढ़ रखा है चक्कर में क्योंकि मैं खुद पढ़ाता हूँ
जी जी मुझे मालूम, जी मुझे मालूम है कि आप जो स्कॉलर हो सकते हैं, जो हाँ जो पादरी है वो समझ सकते हैं, और आपसे नहीं है, हमारे नाना पास्टर हुआ करते थे जी। अभी आपकी एज कितना है ब्रदर जी? अभी आपकी उम्र कितना है इस समय? इस समय मेरी 22 साल की उम्र है। ओके, मैं इस समय 54 का हो चुका हूँ। आप, मैंने देखा है आपको, मैं इससे इतराज नहीं करता, मैंने मैंने जी जी मैं आपकी आपकी जो फोटो देखा था, मैंने आपकी जो जो आप जो दुआ करते हैं, जिसे जिसे आप झील के अंदर दुआ आई है कि प्रार्थना, तो हम उसे नाच गाने की प्रार्थना नहीं कहते हैं, हम दुआ को अलहदा कहते हैं कि क्या ऐसा नहीं करना है कि नाच गाना गाकर दुआ करो, ऐसा नहीं कहा कि एनी प्लेसेस इन द झील, कहीं हजरत ईसा ने फरमाया कि नाच गा कर दुआ करें, आपने फरमाया प्रार्थना करें खुदा से, यहोवा से प्रार्थना करें, तो यहोवा से प्रार्थना अपने सच्चे दिल के साथ करें। आप आमीन भी कहते हैं, सलाम भी करते हैं, दुआ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ तो आप ये कहां से, किस हदीस में आ गया, आपकी किस किताब में आ गया कि नाच गा कर दुआ करें? हमारे में नाच गाना तो मुमानियत है, वो आप लोग क्या नहीं है जी। और दाऊद के विषय में अगर आपने पढ़ा होगा, दाऊद क्या करता था जी? डेविड के बारे जी जी बताइए, डेविड क्या करता था? डेविड के बारे में सुना होगा, आप बताइए ना। मैं हाँ डेविड के बारे में मैं कुछ आपको रेफरेंस में दूंगा, क्योंकि ऐसे बता दीजिए, ऐसे बता दीजिए, दाऊद का काम क्या था, डेविड का काम क्या था, डेविड क्या करता था? डेविड क्या करता था नहीं, ये छोड़िए, हाँ आप उनका नाम क्या करता था ना सुना ले, वो पैगंबर है, वो आप भी उन्हें मानते हैं कि अल्लाह ने उनको पैगंबर दिया? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उन्हीं के बेटे, उन्हीं के बेटे का नाम सुलेमान था, सुलेमान पैगंबर, और उनको बादशाही अता फरमाई थी। जी जी जी, डेविड क्या करते थे आप ये बताइए? जो डेविड वो एक बादशाह थे, उनके ऊपर अल्लाह ने नबूत उतारी थी, वो एक नबी थे, और वो सोना पे, वो उनका 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 ये मौजजा था, हमारे कुरान में, हमारी हदीस की किताबों में आया है कि वो जो है क्या नाम है, अगर लोहे को हाथ लगा देते तो वो पिघल जाता था, अल्लाह ने उनको मौजजा अता फरमाया था, जैसे हजरत ईसा को। डेविड ने गलती क्या करी, डेविड से गलती क्या हुई थी, किसके किसके बारे में गलती? डेविड उन्होंने गलती करी थी ना, कोई गलती करी थी आपको मालूम है, गलती क्या करी थी? नहीं नहीं, हमसे हमारे हमारी जो किताबों में होता है वो अंबिया से खता नहीं होती, अंबिया मासूम होते हैं हर गलती से, क्योंकि जिसको यहुआ चुनता है, परमेश्वर चुनता है, जिसे इलाहीम चुनता है, वो जो चुना हुआ चीज होती है तो अल्लाह हर उससे गुनाह से महफूज कर देता है उसे, चाहे वो जानबूझ करो चाहे छोटे हो। हमारी किंजिल की, हमारी हदीसों और कुरान की में ये बात आया है। आपको बताया, उन्होंने जो गलती करी, जिसकी गलती की सजा परमेश्वर ने ये दिया कि जो अब्राहम जो उससे डेविड से बनवाना था, जो भवन बनाने की बात करी थी उसने, उससे ना बनवा के उसने फिर अपने बेटे से बनवाया था। तो इंजील में पहला राजा वगैरह पढ़िए। जी जी, मैंने आपके मैंने पढ़ा है, मैंने जो नबूकदनेस्सर और जो साइरस द ग्रेट, नहीं तो नबूकदनेस्सर तो अलग राजा जी, वो राजा सॉन्ग ऑफ सुलेमान के अंदर जो हैकल सुलेमानी के बारे में बात कर रहे हैं ना। जी 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 जी, तो हैकल सुलेमानी के अंदर हजरत सुलेमान ने बनवाया था वो, आप ये कह रहे हैं कि हजरत न्यू, हमारी किताबों में ये बात आती कि हजरत न्यू डालने वाले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, मगर उनकी उम्र कलील हो गई तो उसको वो ना बनवा सके, अल्लाह को अल्लाह की बारगाह में वो चले गए, यानी कि दूसरा मेहनत करके, फिर उनके काम को अंजाम देने वाला उनका वली अहद होगा, यानी कि वसी ही होगा। हाँ, उनसे क्या गलती हुई थी, आपने गलती मालूम उनकी क्या गलती करी थी? जी नहीं ना, तो आप गलती एक बार पढ़िएगा जी। आपने ये गलती बताई कि यूसलम ना बनाकर अपने लड़के से बनवा, ये गलती और क्या गलती हुई थी? ये गलती होती है सुलेमान के विषय में, आप क्या जानते हैं सुलेमान ने क्या गलती करी थी? सुलेमान के कितने शादियां हुई थी जी? सुलेमान के अंदर हमारी किताबों में तो बहुत आता है, क्या आता है सुलेमान की कितनी पत्नियां थी जैसे आप में 100 पत्नी का जिक्र आता है। हाँ, सुलेमान की कितनी थी? जी जी, तो हमारे में 100 का जिक्र आता है, आपके में 100 का है, लेकिन बाइबल में लिखा है 1000 जी। 700 उसकी पत्नियां थी, 300 उसकी रखेलें थी। अच्छा माशाल्लाह, सुलेमान अलैहिस्सलाम की रखेल भी होती है, उन्होंने देखिए देखिए रखेल का लफ्ज नहीं है, रखेल का शब्द, रखेल का लफ्ज जानते क्या है? किसी नबी के लिए रखेल का लफ्ज यूज करना, या आप प्रचार करते होंगे हिंदू में जाकर, तो आप उससे ये कहिए कि जाकर हम तो उसको प्रचार नहीं, लेकिन 1000 उसकी मतलब मान के बीबिया थी। हाँ, बीबिया समझ सकते हैं, बीबिया थी, उसमें रखेल जो आप कहते हैं, 700 जो है ना, 700 उसकी 3 पत्नियां जिनसे शादी करी थी, और 300 एक्स्ट्रा थी उसकी। अच्छा, एक्स्ट्रा थी, नहीं करी थी। अल्लाह याजुबिल्ला, ये आपने ये तभी तो कहते हैं ये पूरी तरह से इंजील तहरीफ है, और उसमें रद्दो बदल आपके पोपो ने आपके पास नहीं है। इंजील में नहीं, ये पुराना नहीं, ओल्ड टेस्टामेंट में आपको बताऊंगा, ओल्ड टेस्टामेंट में आपको दिखा देंगे। ये देखिए हमारे अकीदे के खिलाफ है, क्योंकि आप में इतना बुरा अकीदा है, यहाँ तक कि अगर ईसा को सूली पे मान लेते हैं आप लोग, तो उसके बारे में क्या हुआ,
आपने तो कुरान पढ़ी होगी, हमारे ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमानों पर उठा लिया था, क्या हमारे नबी इस लायक नहीं है? हम भी उनको नबी मानते हैं, वो हमारे नबी है, अल्लाह का उनको सलाम अलैहिस्सलाम, अल्लाह का दुरूद सलाम उन पर, क्योंकि क्या हमारे नबी अलैहिस्सलाम को क्या ईसा अलैहिस्सलाम को क्या सूली पर चढ़ा दिया गया, उनके अंदर भुको दिया गया था, उनको मुजस्मा बना दिया जैसे कि बाद लोगों ने किया था? हमारे नबी ने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमानों पर उठा लिया जलवा, और उसी के शक्ल में जिसने हजरत ईसा को बेचा था, जूडा ने बेचा था चांदी के वजह में, उसकी शक्ल में उसको तब्दील कर दिया गया। आप ये इस पे आप इसलिए मानते हो ना क्योंकि आप कुरान शरीफ जो हमारी आई है वो बाद में आई है, ठीक है कि नहीं? और हम लोग इसको क्योंकि हम लोग पहले से इसको मान रहे हैं। किसको? समझ आया कि नहीं आया? जैसे इंजील को जी, तो हम लोग इंजील को जैसे फॉलोवर, तो हम इंजील में जो लिखा उसको फॉलो कर रहे हैं, तो इंजील में फॉलो कर रहे हैं। तो आप इसका जवाब ये दीजिए कि हजरत ईसा के मजार कहाँ है? नहीं तो ईसा की मजार ही कहाँ है, वो तो यरूशलेम में आप जाइए, उनका जो वहां पर जहाँ इनको कब्र दी गई थी वो तो बाकायदा अभी भी है ना, मजार उसमें होगी क्या? मजार तो उसकी होती है जिसमें मुर्दा गाड़ा जाता है। आइए बताइए, आपने क्या इंजील में डेविड के बारे में, इब्राहिम के मजार, यरूशलेम के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर हजरत इब्राहिम के मजार और हजरत मूसा के मजार? पहली बात आज भी है वहाँ पर, मजार नहीं है वो उनकी, क्योंकि उनको तो जिंदा रखा गया था ना उसके अंदर, उनके अंदर जिंदा गुफा उस टाइप जो वहाँ हुआ करती थी वो मजार, वो पहले आप अपने अकीदे को सही करिए, मजार को बता रहे हैं, वो जो मम्मी वाली बात है मत बताइए, मम्मी वाली बात मजार बता रहे। मजार मजार का मतलब क्या होता है? मजार का मतलब कबर होता है। जी जी, कबर होता है जी। वो उस समय वो कबर वैसी नहीं हुआ करती, गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाए जी, उस ताबूत में हुआ करता था। हाँ, ताबूत में भी खाली मसाला लगा के जो रखा जाता था, रखा जाता था, ठीक है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हजरत ईसा का मतलब ये है? हाँ, आप इसमें देखिएगा, यूट्यूब पे आपको दिख जाएगा। यूट्यूब पे मैं देखता, यूट्यूब पे तो हर बातें सच नहीं होती ना। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैंने कहीं नहीं देखी ना किसी ने बताई, आपके बड़े बड़े सही हो, मैंने स्कॉलर सुन जाए लंदन के, वो कहीं सुना मगर उन्होंने ये बात नहीं कही है। आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, आपको है जहाँ पर नहीं कैसे मैं मान लूं? आप लोग भी इस बात को मानते थे कि वहाँ पे मजार नहीं, उनको सूली पे चढ़ा दिया गया था और उनको सूली पे चढ़ा, वो धूप में तप रहे थे और सूली पे उनके हाथ और पैर में, एक फांसी और सूली में फर्क होता है, आपको मालूम होगा। नहीं नहीं, सूली के बाद उनको सूली पे तीन दिन के बाद क्या सूली पे लटके रहे थे? नहीं नहीं, सूली पे लटके नहीं रहे थे, सूली पे चढ़ाया गया। सूली के सूली चढ़ाने के बाद कहाँ क्या करा गया उनके बाद? आप उस सूली चढ़ाने के अपने से बताओ कि आपकी किताबों से बताओ। नहीं, आप हमारी इंजील से बताइए, आप सूली के बाद क्या हुआ था? तो सूली के बाद मैंने इसके स्कॉलर हूँ, मैं इतना स्कॉलर हूँ कि मैं आपकी इंजील से निकालता हूँ, और मैंने आपकी इंजील भरपूर पढ़ी है, जहाँ जहाँ पढ़ने वाली है जी जी। मगर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर मूसा भी इस जमाने में होते तो मेरी शरीयत चुनने के अलावा कोई उनको चारा नहीं होता। हम लोग इस वजह से पढ़ते हैं क्योंकि हमारी कुरान हमारे लिए काफी है, मगर इसमें मोहम्मद अलैहिस्सलाम का नाम है, जिक्र है और इसके अंदर तफसील है, इस वजह से हम इसको पढ़ते हैं, मगर इसको मुताला करने के लिए नहीं पढ़ते। हमारा कुरान हमारे लिए इत्तेफाक काफी है, वो शाफी है, काफी वलनजुलु मिनल कुरान मा व शिफा व तुलिल मुमिनीन वला यजीदु जालिमिन इल्ला खसारा, जो हमारे में आते हैं। तो हम इस वजह से जो कुरान को ही मोतबर और जो है शाफी काफी मानते हैं। इंजील मैंने इसलिए पढ़ी कि आपके आपके हवाला देने के लिए, आपकी इंजील के लिए, मगर मैंने पूरी इंजील को स्टडी नहीं किया है, मगर हत्तल इमकान मैं आपसे इंजील बेहतर जानता हूं। कि एक बार एक मैं चाहूंगा कि आप पूरी इंजील को एक बार जरूर रीड करिए। जी जी, इंशाल्लाह रीड करूंगा, मगर आप जो बता रहे हैं वो खुद आप इसके ऊपर मुत्तफिक नहीं है। नहीं नहीं, हम जो हम जानते हैं ना, इसीलिए तो आपके ऊपर मेरा दो कर्ज है। समझिए, एक चीज बता दे, देखिए हम हजारों को सुसमाचार सुना रहे हैं, अगर आदमी जो जेलों में जाके प्रचार कर रहा हो तो जेलों में प्रचार करने वाला बेवकूफ तो नहीं हो सकता, ये तो आप मान सकते हो। ठीक है, बोलिए। अगर मैं जेल में प्रचार कर रहा हूँ और जेलों में जाकर के खुदा का कलाम सुना रहा हूँ, तो क्या आप इतना आसान समझ रहे? जेलों के बीच में 2500 आदमी के बीच में लखीमपुर में, जिसमें कम से कम 2400 जेल के कैदी थे, आपके लखनऊ के सेंट्रल जेल में जो मैंने प्रचार किया, तो क्या आप हल्का समझ सकते हैं क्या वहाँ पे जेलों में प्रचार करना? जेलों में प्रचार कैसे करेंगे आप बताइए? अच्छा, आप ये कह रहे हैं आपने जेलों में प्रचार कर रहे हैं, मतलब आप जो काम अल्लाह के लिए कर रहे हैं उसमें आना ये दिखा रहे कि मैं ये चीज कर रहा हूँ। अल्लाह ने आपको इसलिए पैदा किया है, मेरी बात सुनिए, अल्लाह ने इसलिए आपको पैदा किया है कि आप लोगों से ये कि मैं प्रचार करता हूँ, मैं बहुत बड़ा वो हूँ, बहुत बड़ा आलिम हूँ, मैं आप काम करते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के लिए। नहीं देखिए, ऐसा ना, हम तो इसलिए खुदा के लिए कर रहे हैं क्योंकि वो जीवन दे रहा है। मैं जीवन दे रहा है तो जीवन दे रहा है तो उसका शुक्र करना चाहिए, आप उसका बखान क्यों कर रहे हैं? शुक्र नहीं, वो शुक्र करना है क्या, शुक्र के साथ साथ हम उसको उसको हम ब्याज उसका ब्याज चुका रहे हैं। हम ब्याज इस तरह चुका रहे हैं कि कर रहे हैं मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं वो काम। भैया अगर नहीं देंगे तो कौन देगा बताइए? आप ये काम को बड़ा कर रहे हैं, आपने खुद इस्लाम की तालीमात को नहीं पढ़ा है। इस्लाम की तालीमात जो है 52 मुल्क है इस्लाम के अंदर, और 52 मुल्क के अंदर जो आप कह रहे हैं इंडिया के अंदर दावत इस्लामी और हमारी
और जो है बरेली शरीफ के मुगल, लेकिन जेल में जा जाकर और औरतों को नब, उनकी जो शादी है जिनकी बच्ची को नहीं, हैदराबाद में 200 से ज्यादा शादी करवाए, उनको दहेज भी अपनी तरफ से दिया है, इस्लाम का पौगा मुसलमानों को और गैर मुस्लिमों को, और जो जेल के अंदर जो बेचारे बेकसूर थे जिन्हें 500 रुपए जिनके पास नहीं था जो अपनी जो जमानत करवा सके उनको देकर उनको छुड़ाया गया, जो जिनके पास शराब की लत लगी थी उनकी शराब की लत अकाली सलातम के सदके में छुड़ाई गई और अल्लाह ने उनको पर करम नवाजी फरमाई। और कई लोग अगर हम आपको देने लगे तवारीख हवाले के साथ तो आपका दिमाग और सर हिल जाएगा, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं उसके मद्दे मुकाबले अदना है। जो इस्लाम का काम हो रहा है बेहमदी ताला जिसमें आपने इंजील में लिखा है, तुम उसे नहीं जानते, वो मुझे जानता हूँ, वो आने वाली बातों को बताएगा। जो आने वाली बातों को जानता है, जो बताता है, वो पूरे आलम दुनिया के अंदर जो इस्लाम गालिब होगा आने वाले वक्त में और इस्लाम ही का बोलबाला होगा, ये आप न माने। चलिए चलिए मैं आपसे फिर मुलाकात करता हूँ। चलिए ठीक है, आपको हवाले जी, ठीक है ठीक है, आप हवाले, आप मान गए ना? नहीं वो मान के अगर वो तो पढ़ते ही हम हैं। नहीं तो जो पढ़ते हैं, आप ये देखिए दोहरी बातें मत किया करिए, सिंगल पे बात किया करिए कि आपने आपने अभी कहा कि हाँ मोहम्मद आए, माना आपने, ये बात आपकी हो चुकी, मगर आप मैंने जो हवाले दिए आपने माना कि वो मोहम्मद अलैहिस्सलाम का जिक्र इंजील में है। चलिए ठीक है, वो लास्ट मसाया है। जी 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 चलिए, सुभान अल्लाह, इस फकीर ने मोहम्मद